दोस्तों, ड्रामा सीरियल अर्तुगरल गाजी में सबसे फेवरेट और अहम किरदारों में से एक किरदार बम से फेंका था। पूरे ड्रामा में कोई भी जंग या मिशन ऐसा नहीं होता जिसमें बम से अर्तुगरल गाजी के शाना बशाना नजर ना आए हों। किसी दुश्मन को जहन्नुम वासिल करना हो या किसी गद्दार को मजा चखाना हो तो बम से सबसे आगे होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मुसलमानों के 5 ऐसे खतरनाक तरीन दुश्मनों की मौत के बारे में बताएंगे जिनका खात्मा बम से ने अपनी दोनों तलवारों के साथ किया था। तो चलिए देखते हैं वो मंजर कैसे थे। नंबर 4, तियू। दोस्तों, तियू सलीबियों के कैद खाने में न जाने किस गुनाह की सजा काट रहा था। बदकिस्मती से एक दिन उसी कैदखाने में बमसे को डाल दिया गया। तियू फिर बमसे पे बहुत ज्यादा जुल्म करता है और कैदखाने में रहना हराम कर देता है। बमसे जब इस कैदखाने से रिहा हो गए तो एक दिन कमांडर वैसिलस तियू के पास आ गया और तियू को बोला कि तुम्हारी सजा खत्म कर दी गई है। तियू की है, अब तुम आजाद हो और हमारे लिए काम करोगे। कमांडर वैसिलस तियू को बमसे के पीछे लगा देता है। बमसे जंगलात में बिल्कुल अकेला था जब तियू ने कुछ सिपाहियों के साथ हमला कर दिया, मगर बमसे वहां से बच निकला। लेकिन बमसे को शहीद करने के लिए एक बार फिर से तियू ने बमसे पे अटैक कर दिया, मगर इस बार तियू को पकड़ लिया गया और इस जालिम को कबीले ले आते हैं। यहाँ सबके सामने अर्तुगरल गाजी बमसे को इजाजत देते हैं कि अपना कैदखाने वाला बदला ले लो। बमसे ने अपनी दोनों तलवारें निकाली और तियू की गर्दन पे रख के इसका सर कलम कर दिया। नंबर 3, एंजिलोस। दोस्तों, एंजिलोस गवर्नर का बेटा होता है। जब तुर्गत की बीवी असलेहान खातून और बमसे की बीवी हफ्सा खातून काई कबीले वापस आ रही थी तो रास्ते में जंगल के अंदर चीतन इन पे हमला कर देता है और असलेहान के साथ हफ्सा को भी अगवा कर ले गया। चीतन इन खवातीन के बदले कमांडर आरस का मुतालबा कर देता है। दूसरी तरफ एंजिलोस अपने बाप को खुशखबरी देने जा रहा था कि तुर्गत ने अटैक करके एंजिलोस के सारे सिपाहियों को कत्ल कर दिया और एंजिलोस को जिंदा पकड़ लिया, जबकि बम से असलेहान और हफ्सा को आजाद करवाने पहुंच जाता है। तुर्गत को ये पता चला तो वो फौरन बम से के पीछे गया और वार्निंग दी कि हफ्सा और असलेहान खातून को रिहा कर दो और अपनी लगाई हुई घात को भी खत्म कर दो, नहीं तो मैं कमांडर का बेटा एंजिलोस कत्ल कर दूंगा। ये सुनकर चीतन दोनों खवातीन को रिहा कर देता है। फिर कमांडर आरस ने जिस गार की खबर दी थी वो हलीमा सुल्तान बम से लोगों को बता देती है। तो तुर्गत और बम से अपने सिपाहियों के साथ गार में गए और सारे दुश्मनों को जहन्नुम वासिल करने के बाद बम से ने अपनी तेज धार तलवार निकाल के एंजिलोस का सर कलम कर दिया और इसका कटा हुआ सर इसके बाप को भेज दिया जाता है। नंबर 2, यिनाल। दोस्तों, यिनाल मंगोलों का एक सिपाही था, मगर हकीकत में ये मुसलमानों में मौजूद सबसे बड़े गद्दार और अर्तुगरल गाजी के जानी दुश्मन बैबुलात यानी के अलबास्ती का वफादार सिपा सलार होता है। ये भेस बदल के मंगोलों में घुसा हुआ था और मंगोलों की खतरनाक फौज के साथ हमेशा मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने में ये सबसे आगे होता है। गद्दार अलबास्ती इसको जो हुक्म देता यिनाल उस हुक्म की तामील करता, क्योंकि अलबास्ती भी मंगोलों के साथ मिला हुआ था। मंगोलों के शाना बशाना खड़े होके मुसलमानों को शहीद करने वाले यिनाल को काबू करने के लिए बम से बाकी मुसलमानों के साथ मिलकर एक चाल चलते हैं। बमसे ने अपने बाकी साथियों के साथ बरके खान के आदमियों का भेस बना लिया और बरके खान के आदमी बनकर यिनाल पे धावा बोल देते हैं। इसी मौके पर बमसे पूरे जोर के एक वार से यिनाल को मारकर जहन्नुम वासिल कर देते हैं।
नंबर वन, टू सोल्जर्स ऑफ सेल्वाडोर। दोस्तों पहले बताए गए तीनों सीन ड्रामा सीरियल अर्तुगरल गाजी के थे, जबकि बाकी दो सिपाहियों के सर कलम करने का ये वाला मंजर अर्तुगरल गाजी के बेटे उस्मान गाजी के ड्रामा से लिया गया है। होता कुछ यूं है कि ये दोनों सिपाही सेल्वाडोर के भेजे गए सिपाही थे। सेल्वाडोर ने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया था, जिस वजह से वो अभी तक कई कबीले का दुश्मन था। प्रिंस सेल्वाडोर के भेजे गए इन दोनों सिपाहियों के नाम तो ड्रामा में नहीं बताए गए, मगर ये दोनों मुसलमानों पे अटैक करने पहुंच जाते हैं। ये सीन कुछ इस तरह से होता है कि बमसे का बेटा आइबर्स और उस्मान गाजी दोनों किले से वापस कई कबीले आ रहे थे, मगर रास्ते में ही सेल्वाडोर के सिपाहियों ने उस्मान गाजी और आइबर्स पे खतरनाक हमला कर दिया। इसी हमले के दौरान आइबर्स जामे शहादत नोश कर जाता है, मगर खुशकिस्मती से उस्मान गाजी जिंदा बच जाते हैं। दोस्तों उस्मान गाजी आइबर्स की लाश कबीले में ले आए और हर तरफ गुस्से और गम का समा था, और उस्मान गाजी आइबर्स का बदला लेने के लिए निकल पड़े। उस्मान को पता चला कि जंगलात के अंदर दुश्मनों ने एक रिहाइश का बनाई हुई है और सेल्वाडोर और उसके सिपाही उधर छुपे हुए हैं। उस्मान गाजी ने इस रिहाइश पे हमला कर दिया, मगर इस हमले के दौरान प्रिंस सेल्वाडोर अपनी जान बचा के किसी तरह यहाँ से भाग जाता है। तहम बाकी सिपाहियों को मौत के घाट उतार के उस्मान गाजी इन दोनों अहम सिपाहियों को पकड़ लेता है, जिन्होंने आइबर्स को शहीद किया था। इन दोनों को पकड़ के कई कबीले ले जाया गया और बमसे के सामने पेश कर दिया जाता है कि यही वो जालिम है जिन्होंने आपके बेटे को शहीद किया है। बमसे गुस्से में आग बगोला होता है और अपनी दोनों तलवारें निकाल कर एक ही वार में दोनों के सर काट देता है। तो दोस्तों ये थे मुसलमानों के पांच ऐसे खतरनाक तरीन दुश्मन जो बमसे की तलवारों का शिकार बन जाते हैं। तो इन सब में से कौन सा सीन आपको ज्यादा पसंद आया, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और